अस्सलाम वालेकुम। देखो यार, आज तुम्हारा होगा टेस्ट। सही है, ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं और आगे आखिर में कुछ चैलेंजेस भी हैं। सही, हमने आज तक के लेक्चर में ना एसक्यूएल स्टेटमेंट की बेसिक्स को पढ़ लिया। सही ना, जिसमें मैंने आपको सिलेक्ट भी पढ़ाया, वेयर भी पढ़ाया, ऑर्डर बाय भी पढ़ाया, लिमिट भी पढ़ाया और भी चीज़ें थी। तो आज आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं और लास्ट में ये मैंने आपके कुछ चैलेंजेस भी दिए हैं। अच्छा, मैं जो हूँ इस एक्सरसाइज को गो थ्रू करता हूँ और ये आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि आपने ये सॉल्व करनी है, ठीक है ना। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, मैं उसमें इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी दे दूँगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस की PDF फाइल दूंगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा, क्वेश्चंस जो है ना वो दो चीज़ों पे हैं, एक सिनेरियो है और एक जो है वो क्यूरी है। आपका सिनेरियो जो है वो रियल लाइफ सिनेरियो कुछ हो सकता है कि असली में आपके पास बिजनेस लॉजिक क्या आएगी। सही ना, उसके बाद आपके पास एक क्यूरी होगी जो आप खुद बना रहे होंगे। सही ना। अच्छा, शुरू के जो क्वेश्चन होंगे उसमें तो मैं आपको क्यूरी बताऊंगा कि वो आप ऐसा होगा कि आप एक टेबल में से ये चीज़ें निकाल लें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन आखिर के क्वेश्चंस में ना ये क्यूरी वाला भी सिस्टम हो जाएगा ख़त्म और आपको फिर सिर्फ सिनेरियो दिया जाएगा और वो आपको सॉल्व करके दिखाना होगा, ठीक है ना। तो आए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, सबसे पहला लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो स्लैक के बारे में पढ़ा था, तो उसका सिनेरियो हम पढ़ते हैं। देखो, सिनेरियो उसका स्लैक का ये है क्वेश्चन नंबर 1 का कि यार हमारे जो है ना वो आने वाली है ईद। सही ना, तो अब जो है वो हुआ क्या है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है ना, उसने सोचा है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है ना, उनको हम क्या करें, हम गिफ्ट सेंड करें। ईद आने वाली है, उनको गिफ्ट देंगे, वो खुश होंगे, है ना, खुशी खुशी काम किया करेंगे। तो अच्छा, अब तुम्हें ये सोचना है कि हमें कौन से टेबल के अंदर जाना चाहिए, सही ना, और उसमें से क्या हमें रिकॉर्ड निकालना होगा कि हम उनको ईद के गिफ्ट सेंड कर पाएँ। अच्छा, हमें ईद के गिफ्ट जो है ना उनको सेंड करने हैं, सही ना। तो ये तो हो गया हमारा सिनेरियो। अच्छा, इसकी क्यूरी मैंने क्या बताई है कि तुम्हें क्या करनी होगी, सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करना होगा। और क्या तुम सिलेक्ट करोगे, फर्स्ट नेम सिलेक्ट करोगे, लास्ट नेम सिलेक्ट करोगे, और उस शख्स का तुम्हें होम एड्रेस चाहिए होगा हर एम्प्लॉय का, ताकि तुम ईद का गिफ्ट उसको फिर सेंड कर पाओ, ठीक है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि डिस्ट्रिंक्ट के लेक्चर के लिहाज से मैंने बनाया है। अच्छा, इसके सिनेरियो, इसका सिनेरियो तुम समझो। यार, एक मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है ना, और उसको ये पता करना है कि उसके कस्टमर्स जो हैं वो कौन से कंट्री के अंदर रहते हैं, सही ना, ताकि वो कंट्री के लिहाज से स्पेसिफिक तौर पे ना एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सके। असली में भी यही होता है ना कि हम कोई अगर ई कॉमर्स वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो वो हमारे कंट्री के लिहाज से उस पर एड्स वगैरह शो करने शुरू कर देता है, सही ना। आपने ये देखा होगा ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सिनेरियो। इसकी क्यूरी क्या बनेगी, इसकी क्यूरी ये है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कस्टमर्स के टेबल में जाना होगा, सही ना। अब जब आप कस्टमर्स के टेबल में जाएंगे तो आपके पास उस कस्टमर्स की कंट्रीज़ आ रही होंगी। अच्छा, वो कंट्रीज़ क्या हो रही होंगी, वो रिपीट करी होंगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका ना दूँ, अली की भी कंट्री अगर पाकिस्तान है तो उज़ैर की भी कंट्री पाकिस्तान हो सकती है, तो ये तो दो बार आ जाएगी। तो आपको यूनिकली कंट्रीज आइडेंटिफाई करने होंगे, और यूनिक चीज़ें कैसे आप निकालेंगे, आप डिस्टिंक्ट को यूज़ करके निकालेंगे, ठीक है ना। अब हम उसके बाद एक और क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो कि क्या है, वेयर क्लॉज जो हमने पढ़ा था, वेयर क्लॉज का लेक्चर। अच्छा, यहाँ से जो है ना वो मैंने आपके क्या ख़त्म कर दी, मैंने आपकी क्यूरी वाला चीज़ जो है ना ख़त्म कर दी, क्योंकि क्यूरी वाली चीज़ से तो यार तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो जाता, तुम इस टेबल में जाते ना, तुम डेटा को एनालाइज करते ना, तुम ERD डायग्राम खोल के देखते कि कौन से टेबल में तुम्हें जाना चाहिए, सही ना। तो यहाँ से वाला मैंने वो वाला सिस्टम कर दिया क्या, ख़त्म। अब आएगा तुम्हारा सिर्फ सिनेरियो। वेयर क्लॉज का पहला सिनेरियो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, भाई तुम्हारी जो है ना वो चॉकलेट एंड चाय की जो है ना डिमांड हो गई है इनक्रीज, और अब तुम्हें उसका जो है ना, तुम्हारे पास कितना उसका स्टॉक है वो तुम्हें जानना है, सही ना। अब तुम्हें ये खुद सोचना है कि तुम्हें चॉकलेट एंड चाय के लिए कौन से टेबल में जाना होगा, सही ना, और उसका तुम स्टॉक जो है वो कौन से कॉलम से निकाल लोगे, ठीक है ना। उसके लिए तुम ERD देख लेना, ERD में तुम्हें ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक
ठीक है ना। अच्छा ये जो तुम्हारे सामने ये वर्ड लिखा ना चॉकोलेड, भाई इसमें ये डी ही मैंने लिखा है, क्योंकि जो हमारे पास डेटा बेस है ना उसमें इसी तरह मेंशन किया हुआ है, और मैंने उसमें अभी कोई चेंज करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब सबके पास वही डेटा बेस होगा, ठीक है ना। तो तुमने ये करना है। उसके बाद हम चलते हैं वेयर क्लॉज के क्वेश्चन नंबर टू के सिनेरियो में। यार आ गई है भाई जून जुलाई आ रहे हैं, समर सेल आने वाली है, अमेरिका में समर सेल आ रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में समर सेल आने वाली है, और हमें जो है वो क्या जानना है, कस्टमर्स के डिटेल्स के बारे में जानना है, ठीक है ना। अच्छा तो ये आप कैसे करेंगे, ये भी एक आपके पास सिनेरियो है, ठीक है ना, कि कस्टमर्स के डिटेल्स के डिटेल्स को आप को आपको जानना है, और उन कस्टमर के डिटेल्स को आपको जानना है जो कि कहाँ रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, सही ना, क्योंकि यूएसए के अंदर क्या आने वाली है, समर सेल आने वाली है, ठीक है ना। अच्छा अब हम इसी के वेयर क्लॉज के उसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में। क्वेश्चन नंबर थ्री का सिनेरियो कुछ कैसा है, यार कुछ एम्प्लॉयज़ हैं हमारी कंपनी के जो कि लंदन सिटी में रहते हैं, सही ना, वो काम पे नहीं आ रहे यार। और क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि लॉकडाउन है और कोरोना वायरस की जो करंट सिचुएशन है वहाँ पे, सही ना। तो अब हमें क्या करना है कि हमें एज अ कंपनी देखना है कि यार हमें उनको लैपटॉप सेंड करना है और हेडफोन सेंड करने, ताकि वो हमारे साथ रिमोट वर्क कर सकें, सही ना, रिमोटली तौर पर हमारे ही कंपनी में वो काम कर सकें। अच्छा अब यही है ना कि लैपटॉप और हेडफोन्स तुम किधर सेंड करोगे, तुम्हें उसके लिए क्या जानना पड़ेगा, उनका एड्रेस जानना पड़ेगा। ये तो हो गया इस सिनेरियो का पहला स्टेप, ये तुमने कर लिया। उसके बाद तुम्हें ये जानना है कि भाई तुम्हारी कंपनी को टोटल कितने लैपटॉप जो हैं वो सेंड करने होंगे, सही ना। और तुम ये कैसे करोगे, तुम्हें पता है जो लोग लंदन में रहते हैं वहीं पे लॉकडाउन लगा हुआ है, वहीं के लिए कोरोना वायरस की सिचुएशन ख़राब है, तो तुम्हें ये तो तुमने जान लिया ना। अब तुम क्या कर सकते हो, आराम से कर सकते हो कि तुम्हें नंबर ऑफ़ लैपटॉप्स पता चल सकते हैं, कितने नंबर ऑफ़ लैपटॉप्स तुमने सेंड करने। उसके लिए देखो मैंने हिंट भी बताई हुई है कि हिंट जो है वो काउंट यूज़ करना है, सही ना। तुम पहला स्टेप कर लेना, पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप करना, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ऑर्डर बाय एंड लिमिट हमने पढ़ा था। अच्छा ऑर्डर बाय और लिमिट का क्वेश्चन नंबर वन का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हमारी आ गई है कंपनी की एनिवर्सरी, सही ना, और हमारी कंपनी में जो पहले 3 लोग हमने हायर किए थे ना, उनको हमने क्या करना है, रिवॉर्ड करना है, ठीक है ना, शाबाशी देनी है उनको, ठीक है ना, उनके अच्छे काम के लिए कि उन्होंने हमारी कंपनी का साथ दिया, हमारी कंपनी ज्वाइन की और बहुत अच्छा काम किया। अब 3 एम्प्लॉयज़ तुम ये मैं तुम्हें ये बता दूं कि दूसरे में देखो लिखा हुआ है कि हमें जो है ना उनकी एम्प्लॉय आईडीज़ चाहिए। एम्प्लॉय आईडीज़ पता चल जाएंगी तो हम ये कर सकेंगे यार ये 3 ये एम्प्लॉयज़ आईडीज़ हैं और इनको हमने रिवॉर्ड करना है, ठीक है ना। लेकिन तुम इसमें ये याद रखना कि ये जो चीज़ है ना कि हमारे फर्स्ट 3 एम्प्लॉयज़, तो फर्स्ट 3 एम्प्लॉयज़ निकालने के लिए तुमने एम्प्लॉय आईडी को यूज़ नहीं करना, ठीक है ना। आईडी तो कोई सी भी हो सकती है ना, अगर इस वाले डेटा बेस में आईडी जो है किसी और तरीके से दी हुई है तो तुमने किस तरीके करना है कि तुमने, मैं तुम्हें हिंट बता देता हूँ कि तुमने जो है ना वो क्या यूज़ करनी है, तुमने डेट यूज़ करनी है। अब वो डेट वाला कौन सा कॉलम है ये तुमने खुद एनालाइज़ करना है, ठीक है ना, कि उससे हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे कंपनी में सबसे पहले हायर हुए थे, ठीक है ना। अच्छा इसके अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सही है ना, ऑर्डर बाय वाले लिमिट में। अच्छा बहुत सारे ऐसे हमारे पास कस्टमर्स हैं जो कि ज़्यादातर चीप प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। अच्छा चीप प्रोडक्ट्स मतलब जो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हों, थोड़े से सस्ते हों, ठीक है ना। और हमें ऐसे कस्टमर्स को क्या सजेस्ट करना है, हमारे पास जो टॉप 5 चीप प्रोडक्ट्स है ना वो हमें सजेस्ट करना है। और कहाँ पे सजेस्ट करना है, जब वो मेरी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो मैं क्या करूँगा, उनको टॉप 5 चीप प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनको क्या करूँगा, सजेशन में लाऊँगा, सही ना। ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि मुझे जो वो चीप प्रोडक्ट्स होंगे ना वो उनकी मुझे नेम चाहिए और उनका प्राइस चाहिए, ताकि मैं उनको सामने वेबसाइट पे नेम और प्राइस को शो करवा सकूँ। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा उसके बाद चलते हैं, उसके बाद जो है ना हमारी एक्सरसाइजेस ख़त्म हो गई, और अब तक हमने जितने भी लेक्चर्स में गो थ्रू किया है वो मैंने आपको सिखाया है, उसके लिहाज से मैंने 5 चैलेंजेस जो है ना वो आपके लिए तैयार किए हैं, ठीक है ना। और ये 5 चैलेंजेस जो हैं वो सारी लेक्चर्स को कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी यूनिक डेजिग्नेशंस डू आवर कंपनी हैव। अब जो मेरी कंपनी है उसमें कितनी जो है ना वो डेजिग्नेशन हैं, कितनी टोटल डेजिग्नेशन हैं,
तो इसके लिए तुम्हें पता है क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, तुम्हारे पास डेजिग्नेशन आएंगी। अब डेजिग्नेशन वाला क्या कॉलम है, क्या उसका कॉलम का नेम भी डेजिग्नेशन है या कुछ और है जिसमें उसकी एक एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन लिखी हुई है, तो पहले तो तुम उसको क्या कर लोगे, यूनिकली तौर पे उसको आइडेंटिफाई कर लोगे उसकी डेजिग्नेशन को, कौन कौन से डेजिग्नेशन है। उसके बाद क्या करोगे, उनको काउंट करना तुमने, सही है। अच्छा दूसरा क्या है कि तुम्हारे पास जो है वो कितनी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी जो प्राइस है ना वो 10 से $20 के दरमियान है, ठीक है ना, ये तुम्हें जानना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा चैलेंज ये है कि तुम्हारे कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका जो नेम है ना वो ए से स्टार्ट होता है और जेड पे एंड करता है, सही ना। अच्छा अब ए और जेड जो है ना वो तुमने ये बात ध्यान में रखनी है कि मैंने स्मॉल ए और स्मॉल जेड लिखा हुआ है, और डेटाबेस के अंदर वो कैपिटल ए और कैपिटल जेड भी हो सकता है, तो तुम्हें इस चीज़ का ख्याल रखना है जो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव के बारे में, सही है ना। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि तुम्हारे ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जो कि जर्मनी और मैक्सिको में रहते हैं, सही है, और उनका जो कॉन्टैक्ट टाइटल है ना वो ओनर है, ठीक है ना, क्या है वो कितने कस्टमर्स तुम्हारे पास ऐसे हैं जिनका कॉन्टैक्ट टाइटल ओनर है और वो जर्मनी और मैक्सिको के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। ये चौथा चैलेंज आपको समझ में आया होगा। पांचवा चैलेंज क्या है और लास्ट चैलेंज क्या है आपका, कि तुम्हारे ऐसे कितने सप्लायर्स हैं जिनका कॉन्टैक्ट टाइटल जो है वो किसी ना किसी तरीके से सेल से रिलेटेड करता है, सही ना। क्या मतलब कि तुम्हारा कितने सप्लायर्स ऐसे होंगे कि उनका जो कॉन्टैक्ट टाइटल है ना, जो इन्होंने वो कॉन्टैक्ट दिया होगा उसमें एक टाइटल होगा, तो वो जो है वो सेल से किसी तरह रिलेट करता है, ठीक है ना। अच्छा ये थी एक्सरसाइजेस और कुछ चैलेंजेस, ठीक है ना, अब तुम्हें ये सॉल्व करने, सही ना, और अपने सॉल्यूशंस तुम ऐसे करना कि वो मुझे बताना, और मुझे ये बताना कि कमेंट सेक्शन में तुम्हें क्या चीज़ जो है वो समझ नहीं आई, सही ना, कौन से क्वेश्चन में तुम्हें अभी प्रॉब्लम आ रही है तुम मुझसे पूछ सकते हो। और जो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसमें मैं क्या करूँगा, इन सब क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा किसमें, पीजी एडमिन के अंदर, वो आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा और चैलेंजेस भी करके दिखाऊंगा, तो मतलब आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा हर किसी के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, सही ना, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, सही ना। और अगर तुमसे कुछ क्वेश्चंस ना भी हो पाए तो कोई मसला नहीं है, शुरू शुरू में सबके साथ यही होता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, सही है ना। और इसके बाद की जो वीडियोस आएंगी वो उसमें हम अब बेसिक्स क्योंकि हमने पढ़ लिए तो अब हम थोड़ी सी और डिटेल में हम इसको जो पोस्टग्री एसक्यूएल है और एसक्यूएल है इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो अपना ख्याल रखना, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके अल्लाह हाफिज़।